हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम गुडीज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी जो कि पुरी का एक शॉर्ट ट्रिप। तो हम लोग अभी पुरी में पहुँच चुके हैं, तो गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग बैटरीगढ़ में बैठ के जा रहे हैं पुरी के ओर। तो एक्चुअली पुरी अभी 2 साल के बीच में बहुत सारा चेंजेस हो गया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर यहीं तक देखिए, आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग पुरी मंदिर दर्शन करना चाहते हैं वो लोग भी दर्शन कर लेंगे, तो वीडियो ज़रूर यहीं तक देखिए। तो कोरोना में तो मंदिर अभी बंद है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर मंदिर को दर्शन करने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हैं, तो काफ़ी भीड़ है। आप लोग देख पा रहे होंगे मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आए हैं कोरोना के बाद। तो देखिए मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। मंदिर जो लोग दर्शन करना चाहते हैं इनसे ही दर्शन कर लीजिए। तो पुरी में अभी बहुत सारा चेंजेस हो गया है, बहुत सारा प्लांट लगाया गया है, डिफरेंट टाइप का बहुत सारा प्लांट है। ये मंदिर के सामने फ्रंट वाला व्यू है ये, तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया में बहुत सारे प्लांट लगाया गया है, तो इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है और पूरा नीट एंड क्लीन भी है। ये रहा जो कि रोड साइड में, यहाँ पे भी बहुत सारा ऐसे प्लांट लगाया गया है जो कि क्रोटन प्लांट और ऐसे पाम ट्री ऐसे टाइप का बहुत सारा लगाया गया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है पूरी। पहले से भी अब बहुत चेंजेस हो गया है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दर्शन के बाद जो कि हमारे गाड़ी पार्किंग एरिया में, तो यहाँ पे हम लोग पार्क किए हैं और यहाँ पे जो कि पंडित जी यहाँ पे लोटा हाथ में और चंदन लेके घूम रहे हैं। जो लोग गाड़ी से उतर रहे हैं उन लोगों से टिक्का लगा के पैसा ले रहे हैं, ये उनका बिजनेस का एक ट्रिक है। चलो अच्छा है। तो अभी मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बीच में घूमने के लिए। तो यहाँ पे एक मो बीच करके एक नया बीच बना है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं और गाड़ी पार्किंग के लिए जो कि 40 रुपये ऐसे ले रहे हैं, तो अच्छा है। एंट्रेंस में ऐसे प्लांट लगा है तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे रहने के लिए होटल भी है, तो अच्छा है। तो हम लोग अंदर चल के देखते हैं कैसा ये मतलब मो बीच बना है। तो ये आ रहा एंट्रेंस में जो कि टिकट चेक कर रहे हैं, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो कि प्लांट लगाया गया है सुंदर, हर जगह पे प्लांट ही प्लांट, तो बहुत ही अच्छा लगा ये। और यहाँ पे स्टेचू बना है जो कि पत्थर का, और कोणार्क चक्र भी यहाँ पे बना है, यहाँ पे फोटो लेने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये रहा साइड में, और यहाँ पे ऊपर में ऐसे बना है गार्ड बैठने के लिए, चेक करने के लिए। तो मो बीच बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। तो ये देखिए ये रहा बीच, हम लोग बीच में अभी आ गए हैं। काफी खूबसूरत है ये बीच, पूरा नीट एंड क्लीन करके रखे हैं बीच को। तो मैं तो यहाँ पे मेरा जो कि गिम्बल मोबाइल लेके ऐसे वीडियो बनाने में मैं लग गई, क्योंकि मैं दिखाऊंगी सबको, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाने में लग गई। तो हम लोग बीच में काफ़ी टाइम स्पेंड किए और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग तो देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे कितना मस्ती किए हैं।
और यहाँ पे ऐसे जो कि एक लाइन जो है पीछे में, यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी के लिए कर दिए हैं ताकि उसके उस तरफ कोई जा नहीं पाए। और यहाँ पे नहाने के लिए अलाउड नहीं है, तो सेफ्टी के लिए बीच बहुत ही अच्छा है और नीट एंड क्लीन है। बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है। तो अभी बीच से हम लोग आ गए हैं क्योंकि लंच के लिए काफ़ी भूख लग रहा था। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं, तो रेस्टोरेंट में भी यहाँ पे हमने देखा तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाया गया है डिफरेंट टाइप का, काफ़ी सुंदर लग रहा था रेस्टोरेंट। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो इसका भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाके भी खा सकते हैं और चारों तरफ प्लांट ही प्लांट, इतना खूबसूरत था कि मैं वीडियो बिना बनाए रह नहीं पाई। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा लिए और खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े मेरिन ड्राइव की ओर। यहाँ पे थोड़ा बैठ के ऐसे सनसेट को देख लिया और उसके बाद हम घर की ओर चले। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।